HTML path. तो हम HTML path के बारे में स्टडी करेंगे. HTML path का कहाँ कहाँ देने पड़ते हैं हमें, वेब पेजेस के लिए, उसके बाद इमेजेस के लिए, उसके बाद स्टाइल शीट के लिए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए. इसके लिए हमें पाथ यूज करना पड़ता है. जैसे कि देखिए, हम मैंने यहाँ पे इमेज टैग डाला हुआ है. इमेज टैग के लिए हम पहला पाथ है वो फुल पाथ. जैसे कि मतलब किसी वेबसाइट का इमेज है तो सोर्स में डालने के लिए पूरा इमेज का पाथ लेते थे, उसको फुल पाथ बोलते. उसके बाद रिलेटिव पाथ. रिलेटिव पाथ मतलब कि एक फोल्डर हमने क्रिएट किया हुआ है हमारे प्रोजेक्ट में, और वो फोल्डर इमेज फोल्डर में वो इमेज सेव है, और उसका वहाँ से हम पाथ ले रहे हैं. जैसे कि अभी यहाँ पे हमें दिखा रहा है ये फोल्डर है इमेज नाम का, और वहाँ ये पाथ है. थर्ड है इमेज फोल्डर में और एक फोल्डर है, मतलब फोल्डर में फोल्डर है उसका पाथ. ये ऐसे तीन टाइप के पाथ होते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने तीन पाथ दिए हुए, मतलब ये इस तरह से हम पाथ दे सकते हैं.